नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल कनिकाज फैशन फन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल हमारा डोरमेट बनाना सिखाऊंगी, जो बनाने में बहुत आसान है। ये हमारा 18th जो डोरमेट डिज़ाइन है, यानी कि 18वां डोरमेट डिज़ाइन है। जैसे कि मैंने बताया कि हम 30 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल डोरमेट डिज़ाइन इसमें डालने वाले हैं। तो ये हमारा 18वां डिज़ाइन है, जो बनाने में ईजी है और दिखने में भी बेहद खूबसूरत है। इसको बनाने के लिए हम तीन कलर के कलर यूज करेंगे। तीन कलर के कपड़े कोई भी आपके बचे हुए या फिर आपके पास कोई कट पीस हो या फिर आपकी साड़ी या दुपट्टा कुछ भी हो सकता है, वो यूज करके बनाएंगे हम। तो ये सब देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे डोरमेट के लिंक है, तो उस पर जाकर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। इसमें हम अभी हमने ये इसका बॉर्डर नहीं बनाया है, इसका बॉर्डर बना सकते हैं। वो बॉर्डर तो मैंने लास्ट हमारे ट्यूटोरियल में बताया था, बिल्कुल ईजी है। और उसके साथ ही अगर आप इसको ज़्यादा मतलब एकदम वो बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ये थोड़ा सा भी ऐसे ना उठे, तो इसके लिए आप इसमें बीच में से एक एक तिरछी सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएगा वो। तो ये सब देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। चलो तो फिर शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। आज जो हम एक डोरमेट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले जो हमारा बेस बनाने के लिए हमने कपड़ा लिया है, उसकी विड्थ है 23 इंच एंड लेंथ है उसकी 45 इंच। यानी कि हमने ये काफ़ी लंबा डोरमेट बना रहे हैं हम, ये 45 इंच या फिर पूजासन भी कह सकते हैं, दो लोग बैठ के इस पर आराम से पूजा कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने बेस का कपड़ा ले लिया है। ये ऐसे एक पहले ही एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसमें दो चार कमेंट आए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वैसा ही बना रही हूँ, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजमेंट किया है मैंने। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये तीन कलर में हमने पट्टियाँ बना ली है, जैसे कि उस डोरमेट में बनाई थी, ये पर्पल, ये ऑफ वाइट और ये हमारी ब्लैक कलर की पट्टी है। 3-3 इंच की हमने ये पट्टी कट की, उसके बाद उसको स्टिच करके इसको बैक करके और आयरन करके ये पट्टी हमने रेडी की हुई है। तो ये हमारी एक एक इंच की इनकी हाइट आ रही है, 1 इंच से थोड़ा कम है। तो इसके बाद सबसे पहले हम ये हमारी ये पर्पल वाली पट्टियाँ लेंगे। और जो हमारा ये स्टिचिंग वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहता है, ये हमारा पोर्शन रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये पर्पल वाली पट्टी है सारी, ये लंबाई के बल यानी कि ये हमारी चौड़ाई है और ये लंबी हमारी पट्टियों की लंबाई तकरीबन 2-2 मीटर है, तो इनको लंबाई के बगल लेंगे हम। इसके बाद ये या तो इनको हम पिनअप कर देंगे या फिर इनको यहाँ से स्टिच कर देंगे, पर मैं इनको स्टिच ही करूँगी इनको ऐसे, एक के बाद इनको एक जमा देंगे हम। इस तरह से हम ये लास्ट तक जमा देंगे और यहाँ इनकी स्टिचिंग कर देंगे लास्ट तक, इसको लास्ट तक हमने स्टिच कर दिया है। इसके बाद हम जो पिछले डोरमेट का मैंने इसी तरह का वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो डाउट है उनको क्लियर कर देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम ये दो पट्टियाँ उठाएंगे, दो दबाएंगे, दो उठाएंगे, दो दबाएंगे, इस तरह से पहले वाले रो में हम करेंगे। ये हमारी पहली पट्टी पे दो पट्टियाँ हमने उठा दिए, दो। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी पट्टी में करेंगे वो क्या करेंगे, जो ये दबी हुई हमारी ये पट्टी है इसकी एक उठाएंगे और एक ये जो हमारा उठा हुआ है उसका ही उठाएंगे। यानी कि हम इसको ऐसे इस सीक्वेंस में हमने मतलब ये लहर बनानी है। अगर आप चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, तो हम इसमें से ऐसे करेंगे, ये दो पट्टियाँ एक दबी हुई की लेंगे एक उठी हुई की, और फिर उसके बाद सेम वही ये हमारी उठी हुई वाली और एक दबी वाली, दो ही पट्टियाँ लेंगे, बट फिर उनका हम वो ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी कि एक उसमें से लेंगे एक उसमें से लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ धीरे धीरे इस तरफ से रखने लगेगी, ये सिक्वेंस हमारा। फिर जैसे कि मैंने इसको बताया कि एक दबी हुई पट्टी के लिए नहीं आ रही, एक उठी हुई की, ऐसे करना है, ऐसे बनाएंगे लास्ट। अब ये हमारी तीसरी पट्टी, इसमें फिर ये वाली पट्टी हम उठाएंगे, ये वाली हम ऐसे, फिर उसके बाद इसको इसके नीचे से निकालेंगे।
इसमें ये जो हमारी पहली पट्टी है उनको दबा देंगे और ये जो दूसरी है वो सेम सीक्वेंस रखेंगे, बस ये करेंगे एक दबी हुई की एक उठी हुई की हमने चेंज करनी है। और इसमें देखो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, ये पट्टी ऐसे फिर एक ये पट्टी कम होकर इधर आ गई, अब इसके बाद ये एक दबी हुई की एक उठी हुई की इनको नीचे दबा देंगे और इन दो को उठा लेंगे। इस तरह से ये हमारा पिछला वाला डिज़ाइन बनाया था। और अब मैं वो करती हूँ आज के डिज़ाइन की बात। हमारे पिछले ट्यूटोरियल का मैंने जो प्रॉब्लम था वो मतलब जो वो सोल्यूशन के लिए मैंने कुछ बताया आप लोगों को, उसके बाद हम आज के ट्यूटोरियल में बता रही हूँ मैं वो ये हम तीन कलर की पट्टियाँ यूज करेंगे ये वाली। और इसके बाद सबसे पहले हम ब्लैक कलर की पट्टियाँ ले रहे हैं, तो ब्लैक कलर की पट्टी लेने के बाद ये डिज़ाइन हम तिरछा बनाएंगे। तो तिरछा बनाने के लिए सबसे पहले हम दो पट्टियों को उठाएंगे और यहाँ फिन का इस्तेमाल करेंगे हम। फिर जैसे ही हमारा ये पूरा फिलअप हो जाएगा टाइट करने के बाद इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे, फिन लगा देंगे यहाँ। इसमें दो पट्टियों को हमने ये ऊपर उठाया है, एक पट्टी को नीचे दबाया है, फिर दो पट्टियों को ऊपर उठाएंगे, इसके बाद फिर एक पट्टी को ऐसे लेके फिर दो पट्टियों को ऊपर उठाएंगे। इसकी अब पिछली बार हमने दो दो का कॉम्बिनेशन रखा था, अब की बार हमने दो और एक का कॉम्बिनेशन रखा है, यानी कि पिछली बार दो उठा रहे थे हम दो दबा रहे थे, अब की बार दो उठा रहे हैं एक दबा रहे हैं वो भी तिरछे में। तो इसके बाद अब एक ये दबा देंगे हम, फिर दो उठाएंगे, ये हमारा इधर हो गया है फिनिश। इसके बाद हम यहाँ इसको पिन लगा देंगे और यहाँ इससे एक्स्ट्रा उसको कट करके पट्टी को दोबारा से बनाना चालू कर देंगे। इसके बाद हमारा जो ट्रायंगल शेप है ये इस तरफ सरकेगा हमारा, तो इसके लिए हम इसके लिए अब ये जो हमारी दबी उठी हुई पट्टी थी हम इसको दबाएंगे और इधर ये जो हमारी इसमें से एक पट्टी हम एक्स्ट्रा इसको आगे सरकाएंगे हम। तो ये आगे वाली पट्टी ले ली है हमने, वही दो और एक का कॉम्बिनेशन रखेंगे हम। अब ये वाली पट्टी हम दबाएंगे और ये दो अगली उठाएंगे। ये पट्टियाँ थोड़ी लंबी हैं तो इसलिए थोड़ा सा ये अलग जा रही है आपस में, छोटी छोटी पट्टियाँ होगी तो नहीं अलझेगी। ये देखो इससे आगे एक सीक्वेंस बन जाएगा हमारा, इसके बाद ये अगली पट्टी हो गई है, इसके बाद ये हम दो हमने उठानी है और एक दबानी है इसमें, सॉरी ये ज़्यादा लंबी पट्टी होने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने जो साइज में हमने डालना है उसी साइज की पट्टियाँ कट कर ली है। तो इसके बाद हमारा जो स्क्वायर है इधर सरक रहा है, तो अभी ये हमारा इसको ये दो पट्टियाँ उठाएंगे और ये एक दबाएंगे, दो पट्टी उठाएंगे और एक दबाएंगे, सेम हमें वो चालू रखना है हमारा, सेम वही हमारा एक पट्टी हमने जो ये हमारे ये रो है ये जो ये स्क्वायर है ये हमारे एक ही लाइन में आने चाहिए, यानी कि देखो ये हमारा इधर इसमें था एक लाइन आगे बढ़ गई है, इनकी ये सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हमारा गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। देखो ये एकदम एकदम सीक्वेंस में आ रहे हैं ये, सेम वही प्रोसेस रहेगा, दो उठानी है एक दबानी है ऐसे। ये हो गई है और इनकी जब हम सिलाई करेंगे उससे पहले हम इनको हल्का सा टाइट करके करेंगे, क्योंकि ये देखो एकदम लूज है तो हमारा डोरमेट गंदा बनेगा। जब हम सिलाई करेंगे तो एक बार इनको दोबारा टाइट कर लेंगे, सिर्फ ये अभी हम इनको सेट कर रहे हैं, सेट करने के बाद फिर हम इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चौथी पट्टी डालेंगे,
सेम उसका साइज ले लिया हमने, साइज का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। लंबी लंबी पट्टियों में डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें अब हमने ये वाली पट्टी इधर चालू करनी है। तो ये दो पट्टियाँ उठा दिए और ये वाली हमारी दबा दिए, उसके बाद ये पट्टी उठाई और ये दबाई, ये दो पट्टियाँ उठाई और उसके बाद फिर दोबारा ये हमने दबा दिए, ये दो उठा लिए, ये हमारा सीक्वेंस तिरछा वाला आ गया है। ये बनाने के बाद फिर हम चार पट्टियाँ हमने ये डाल दी है, इसके बाद फिर हम ये क्रीम कलर लेंगे। क्रीम कलर हम इधर से बनाएंगे, ये वाला इस हम क्रीम कलर से फिलअप कर देंगे, सेम वो स्टाइल रखेंगे जो कि हम ये रख रहे हैं। हमारी जो ये स्क्वेयर हमारा आ रहा है ये इस मतलब कि ये हमारा ये रो हमारा सेम ये रहना चाहिए। क्रीम कलर से इसको भर लिया है, ये चार हमने ब्लैक कलर की निकाली, उसके बाद फिर ये ऑफ वाइट की इस तरह से जो पट्टियाँ ये हमारी लंबी हाइट थी उसके बाद यहाँ रख रख के मैंने इनकी हाइट ले ली और उसके बाद ये करना चालू कर दिया। तो इसके बाद अब ये सीक्वेंस यहाँ आना चाहिए, यानी कि हम इसको इधर से हम डालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पट्टी हम आगे कैसे लेके आएंगे, तो हमारा सीक्वेंस में सही आएगी ऐसे इस तरह से। तो हमारे ये चार डिब्बे ये हमारे बनेंगे जो स्क्वेयर शेप के बनेंगे, ये बनेंगे उसके ब्लैक के, उसके बाद फिर ये ऑफ वाइट के बनेंगे। इसके बाद वही सेम स्टाइल रहेगा कुछ भी, बस एक एक पट्टी हमें आगे सरकाते जाएंगे, दबी हुई की उठाते जाएंगे। ये करने के बाद फिर दूसरी पट्टी ले लेंगे हम, दूसरी पट्टी में भी ये हमारी जो स्क्वायर से यहाँ आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हमारा कलर ऊपर रहेगा, तो हम ये दो इधर उड़ा लेंगे और एक ये बैठा के और एक ये उठा देंगे इसको सेट करके। और जो हमारा थोड़ा सा ये एरिया बन जाएगा उसके बाद हम इनको टाइट कर करके इधर से स्टिचिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा पिन नहीं होगी क्योंकि इतने लंबे डोरमेट में हमारी चली जाए, तो साथ के साथ हम इसकी स्टिचिंग करते रहेंगे और फिर उसके बाद आगे सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट हमारे उसमें बताया था ट्यूटोरियल में, हम फिर इसका बॉर्डर बना लेंगे, चाहे आप ब्लैक का बना लो, ऑफ वाइट का या फिर पर्पल कलर का, किसी भी कलर का एक का बॉर्डर बना देंगे। इस तरह से हम इसको लास्ट तक बना लेंगे। आशा करती हूँ कि हम आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।